हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल बबली दिल्ली किचन एक ऐसा चैनल जो खाली आपको दिखाता ही नहीं आपको सिखाता भी है आपके घर पे माँ के हाथ का ज़ायका तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही आसानी से और झटपट तैयार होने वाले नारियल के लड्डू मार्केट में तो ये बहुत आसानी से मिल ही जाते हैं लेकिन घर में उससे भी ज़्यादा आसानी से बनते हैं तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या लिया है उसके लिए हमने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है ये जो कि है नारियल का बुरादा हमने लिया है डेढ़ कप और हमने लिया है यहाँ पर कंडेंस मिल्क आधा कप लिया है आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये आधे कप में हो जाएगा और हमने नारियल का बुरादा भूनने के लिए लिया है एक चम्मच देसी घी दूध यहाँ पे ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो आप छोड़ सकते हैं स्टेप को हमने यहाँ पे पैन रखा है अपना गरम होने के लिए और इसमें हम गरम होने के बाद एक चम्मच देसी घी डालेंगे देखिए याद रखिए यहाँ से जो भी आप बनाएंगे जितना जब तक पूरी कुकिंग नहीं हो जाती है आप इस प्रोसेस को स्लो फ्लेम पर ही बनाएंगे बिल्कुल ही धीमी आँच पर बिल्कुल भी हम हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम भी यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा घी हो गया है मेल्ट अब हम इसमें अपना कोकोनट का बुरादा डाल देंगे यहाँ पर हमने डेढ़ कप लिया है अगर आपकी क्वांटिटी आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं लड्डू की तो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं नारियल का बुरादा अगर आपको कम बनाने हैं लड्डू तो आप थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ मैंने डेढ़ कप लिया है और मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ तो लो फ्लेम पर ही मैं इसको सात से आठ मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी और जैसे ही आप इसको पैन में डालें तो फ़ौर ही इसको चलाना स्टार्ट कर दें जिससे कि ये नीचे से जले नहीं क्योंकि आपका घी भी गर्म होगा थोड़ा सा तो इस वजह से ये जल सकता है तो आप इसको जैसे ही डालें वैसे ही इसको चलाना स्टार्ट कर दें और बहुत अच्छे से इसको चारों तरफ से किनारियाँ हटाते हुए इसका चलाते रहे अगर किनारे पे चिपक चिपका रह जाएगा आपका तो फिर ये किनारी से जल जाएगा लेकिन बीच में से नहीं जलेगा तो बहुत अनइवन से आपके लड्डू बनके तैयार होंगे तो इसलिए बहुत आराम आराम से आप इसको सात से आठ मिनट तक भूनिए बहुत अच्छे से जब तक हमारे नारियल होता है रोस्ट आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को करिए फॉलो जिसका दोनों का ही नाम है बबली दिल्ली किचन तो आप प्लीज़ फॉलो करिए और लाइक ज़रूर करिए हमारी रेसिपी को तो ये देखिए हमारा भुनने लगा है थोड़ा थोड़ा इसको हम थोड़ी देर और भुनेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे और जब तक चलाएंगे जब तक इसका कलर हो जाएगा चेंज हमारा थोड़ा गोल्डन येलो कलर में इसका चेंज हो जाना चाहिए और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाएगी तो तब तक आप इसको कंटिनसली ऐसे ही चलाते रहिए और इसको भूनते रहिए वैसे तो ये बिना भुने भी बनाए जा सकते हैं लेकिन अगर आप बिना भुने इसको बनाएंगे तो एक कच्चा इसका नारियल का टेस्ट आएगा लेकिन भूनने के बाद इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इसको भून के ही बनाएं अच्छा नारियल के लड्डू के अपने ही बहुत सारे फायदे भी होते हैं क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे न्यूट्रेंट्स जैसे कि आयरन प्रोटीन फाइबर कैल्शियम सोडियम पोटेशियम तो ये लड्डू आपके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा फाइबर और साथ में ये आपके बीमारियों की लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर और आपकी हड्डियों को देता है एक मजबूती क्योंकि कैल्शियम इसमें बहुत होता है और साथ में ये आपकी आपको देता है बहुत सारी एनर्जी भी तो लीजिए यहाँ पे हमारा नारियल हो गया है रोस्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कलर इसका चेंज हो गया है ना थोड़ा येलो गोल्डन जैसा कलर अगर आपका हो जाए और इसमें से आने लगी बहुत अच्छी सी खुशबू तो आप उस स्टेज पे डाल दीजिए इसमें कंडेंस मिल्क अच्छा मुझे यहाँ पे बनाने थे इंस्टेंट कोकोनट लड्डू तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है लेकिन अगर आपको जानना है कि बिना कंडेंस मिल्क के रेसिपी कैसे बन सकती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि खाली दूध के साथ कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ले लिया है और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे तो यहाँ पे हम अपने दोनों ही चीज़ों को रोस्टेड कोकोनट और कंडेंस मिल्क दोनों को ही बहुत अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ मिला लेते हैं इसको बहुत अच्छे से तो ये देखिए मिल चुका है हमारा बहुत अच्छे से हमने इसको मिला लिया है अच्छा जब ये मिक्स हो जाएगा तब आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो ऐड करें मिल्क नहीं चाहें तो नहीं करें आप ऐसे ही इसके कोकोनट के लड्डू बना सकते हैं लेकिन मिल्क ऐड करने से इसके अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाता है क्योंकि मिल्क को कोकोनट बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है तो जिसकी वजह से कोकोनट के लड्डू भी आपके सॉफ्ट बनते हैं तो आप ज़रूर इसमें मिल्क ऐड करिएगा अच्छा अब हमने मिलकर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको ड्राई करना है इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से इसको सुखा लेंगे सारे मिल्क को तो ये हम बार बार इसी तरह चलाते रहेंगे और याद रखिएगा ये सारा प्रोसेस हम स्लो फ्लेम पर ही कर रहे हैं तो इसे आप बार बार चलाइए और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको चलाते रहिए ये देखिए अभी ये थोड़ा सा और हम करेंगे ये देखिए एब्जॉर्ब करने लगा है हमारा नारियल ये देखिए एब्जॉर्ब हो रहा है ना थोड़ा मोटा मोटा हो गया हो जाएगा आपका सॉफ्ट और फ्लफ़ी नारियल हो जाएगा मिल्क डालने से तो इसलिए आप इसमें ज़रूर मिल्क ऐड करिएगा अच्छा हम इसको थोड़ी देर और ऐसी तरह रोस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सारा मॉइस्चर इसमें से उड़ जाए और नारियल एकदम अच्छा सा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनके तैयार हो जाए तो ये देखिए हमारा होने लगा है बिल्कुल ड्राई यह अब हमारा हो चुका है ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं इसमें अब बिल्कुल भी मिल्क या कोई मॉइस्चर ऐसा कुछ नहीं है अब हम इस मिक्सचर को कर लेंगे ठंडा तो उसके लिए आप चाहें तो इसी पैन में भी आप इसको रख के ठंडा कर सकते हैं वो थोड़ा टाइम ले लेगा आपका लेकिन आप चाहें तो ऐसे मेरी तरह एक प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद उस मिक्सचर को अच्छे से उस प्लेट पे या बाउल पे फैला दीजिए ताकि वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा आपको उतना ही ठंडा करना है ताकि आप उसको छू सकें आपको बिल्कुल कम्प्लीटली चिल्ड ऐसा कुछ नहीं करना बस उतना ही ठंडा हो कि आप इसको बॉल बना सकें तो ये थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसको फैला दिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए अच्छा ठंडा हो गया था अब ये मिक्सचर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेके उसको गो दोनों हाथों पे राउंड राउंड घुमाया और बन गया हमारा लड्डू अच्छा आप चाहें तो थोड़े छोटे लड्डू भी बना सकते हैं मुझे तो लड्डू का साइज़ थोड़ा बड़ा ही पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े लड्डू बनाए हैं तो ये देखिए यहाँ पर तैयार कर लिया है मैंने अपना फ़र्स्ट लड्डू ऐसी इसी तरह राउंड राउंड कर कर और उसके बाद मैंने सूखा बुरादा यहाँ पर एक प्लेट में रख लिया है उससे मैं इसको कर दूँगी कोट ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी एक टेस्ट आए तो यहाँ पे मैंने कोटिंग कर ली है अपने सूखे बुरादे की ये देखिए लग रहा है ना इतना अच्छा और यमी तो यहाँ पे हमारा पहला लड्डू बन के तैयार हो गया है उसे मैंने प्लेट कर प्लेट में रख दिया है इसी तरह मैं इसको सारे बना लूँगी ये मैं दूसरा वाला भी बना लेती हूँ ये देखिए इसी तरह मैं इसको भी बना लूँगी राउंड राउंड कर कर बन गया हमारा लड्डू ये तो देखा आपने ये रेसिपी कितनी आसान है तो बस हम इसी तरह अपने सारे लड्डू बना लेंगे और ये देखिए ये कितनी अच्छी शेप इसकी बन के तैयार हुई है और इसको भी मैं कोट कर लूँगी अपने बुरादे से तो ये अच्छी तरह मैंने इसको भी कोट कर लिया है इससे एक लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो आता ही आता है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी कोट कर लिया है और इसको भी रख दिया है अब यहाँ पे इसी तरह मैं बाकी अपने लड्डू तैयार कर लेती हूँ सारे आप चाहे छोटे बड़े जैसे मर्जी हो आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए तो मैंने यहाँ पे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं तो लग रहे हैं ना कितने टेम्पटिंग बिल्कुल मस्त बहुत अच्छे और बहुत आसान और हाइजेनिक बन के हमारे लड्डू तैयार हैं घर में ही तो आप देखिए यहाँ पे मैं और त... लड्डू तैयार कर लेती हूँ अभी तो फिलहाल मैंने ये देखिए ये आपको दिखा देती हूँ मैं कितने अच्छे से कोट हो गया है ये बिल्कुल बुरादा भी इसके ऊपर और ये लग भी कितने अच्छे रहे हैं तो मैं यहाँ पर सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं यहाँ पर ये देखिए अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से आपको मिल जाए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ हमारे वीडियो को करिएगा लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग